नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर थे और उसके बाद सीएम खटीमा गंगा स्नान पर्व के अवसर पर मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी उत्तराखंड के मुद्दे पर सहमति और समझौते पर बात करते हुए कहा कि काफी समय से जिन मुद्दों पर चर्चा रुकी हुई थी उन मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के बीच भूमि बंटवारे को लेकर भी सहमति बनी है। साथ ही डैम और सिंचाई विभाग की नहरों को लेकर भी सहमति बनी हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर थे, जिसके बाद वहां पर यूपी के दौरे के दौरान उन्होंने कई बैठक की और उन बैठकों में क्या कुछ बातें हुई उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि काफी समय से जिन मुद्दों पर चर्चा रुकी हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और इसके बावजूद किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। अब किसानों ने 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत और 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। आपको बता दें, आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक संसद से कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। किसान संयुक्त मोर्चा ने इसे लेकर बैठक भी की, इसमें सभी संगठनों के नेता शामिल हुए। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि जब तक संसद में तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं मिलती, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि लखनऊ में ये महापंचायत किसानों की होने जा रही है और ऐसे में किसान अब भी अड़े हुए हैं कि जब तक संसद में नहीं तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा और ऐसे में संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 22 नवंबर को यानी कि सोमवार को लखनऊ में महापंचायत की जाएगी और 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किसानों की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार बीते एक साल होने जा रहा है जब से किसान अपनी मांगों को लेकर तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। चलिए, किसान नेता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी नमस्कार। सुनील जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आकर कह दिया है कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, फिर अब किसानों को किस बात की जिद पर किसान अड़े हैं और अब कहा जा रहा है कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे, 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। मैडम एक बात बताओ, झूठे व्यक्ति के ऊपर यकीन कैसे करें? हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने हमें कहा था 2013 में कि मैं 15 लाख रुपए आपको दूंगा, उसके बाद जाकर के कहा था कि मैं काले धन वापसी लाऊंगा, आज तक वो नहीं लेकर के आए जी। और आज ये बता रहे हैं कि भाई तू मैंने बिल वापसी ले लिया, कैसे यकीन कर ले? ये जो बिल है ये संसद भवन में जहां से पास हुए थे
नहीं, ठीक है सुनील जी, सुनील जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी तो कहा है कि संसद का अब सत्र शुरू होगा इस महीने के आखिर में, तब वहां पर जो है वापस ले लिए जाएंगे बिल। जी जी जी, देखिए ऐसा है, देखो वहां से वापसी होंगे जी, तब तक किसान यहीं बैठा हुआ है, नहीं ठीक है ठीक है, अगर आप बैठे हैं तो फिर ये लखनऊ में महापंचायत और 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का क्या फिर आप कह रहे हैं, क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैडम, बताइए ना, क्यों नहीं करेंगे हम संसद मार्च? नहीं, आप इतना तो भरोसा रखिए ना देश के प्रधानमंत्री पर, जब उन्होंने खुद आकर कह दिया। आगे आगे हमारी और भी तो बहुत सारी जरूरतें हैं, अभी तो एमएसपी में गारंटी देनी है, एमएसपी कानून बनाना है, 10 साल के ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को कैंसिल कर रहे हैं, उस ट्रैक्टर को ट्रैक्टर पे कानून लेकर के आना है, जो ठीक है हमारे ऊपर, लेकिन क्या ट्रैक्टर मार्च निकालने से कानून बन जाएगा? हाँ जी, ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो बात कह रहे हैं 29 नवंबर को, तो क्या कानून बन जाएगा ट्रैक्टर मार्च निकालने से? मैडम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, वो हम वही ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे ना, जो हमारे 20 साल पुराने ट्रैक्टर है वो दिखाएंगे सड़क पे। नहीं, आपको पता है ना कि दिल्ली में ट्रैक्टर ले जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है मैडम इजाजत, ट्रैक्टर के पहले भी तो गए हैं। नहीं तो आप 26 जनवरी को भूल गए क्या, क्या कुछ हुआ था दिल्ली में 26 जनवरी को? तो मोदी जी याद करेंगे ना, जिन्होंने आज एक साल बाद हमें ये बताया कि हम किसान हैं, एक साल में जाके पता लगा ना, पहले 26 जनवरी को आतंकवादी खालिस्तानी थे हम लोग, जिसने तिरंगे का अपमान किया, भाजपा का व्यक्ति था, हमने कहा अपमान किया तिरंगे का, उसे आज आगे एक साल बाद एक कई हजार करोड़ रुपए हम लोगों के ऊपर खर्च कर लिए लोगों ने, अब ये बता रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कई हजार करोड़ रुपए खर्च करे, और आज एक साल बाद जाकर के ये बता रहे हैं कि भाई ये किसान है और हम किसानों से माफी मांगते हैं, आज माफी मांग रहे, किस चीज की माफी मांग रहे भाई जी? हाँ, तो किसानों की जितनी जरूरतें हैं, किसानों की जो दिक्कतें हैं, गन्ना गन्ने का भुगतान से लेकर के गन्ने का रेट तक लेकर के, और दूसरी बात जो इन्होंने एक और नया कानून लाया है बिजली अमेंडमेंट बिल, जिसके पास एक से ज्यादा पशु होगा उसके ऊपर उनको कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा, वो सारे बिल वापसी करवाने हैं हमें। अब देखिए कहीं हॉस्पिटल में हम जाएंगे, हमें जुकाम हो रहा है और जाकर के पता चला ब्लड टेस्ट कराने, भाई इसको तो नमूनिया भी है, जितनी बातें अभी आपने मुझे गिना दी हैं, क्या कोई ऐसी बात है जिससे लेकर आपको सरकार से कोई नाराजगी ना हो? आप तो दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, मांगे तो हमारी पहले दिन से यही है, एमएसपी मोदी जी कहते थे ना चिल्ला चिल्ला के, एमएसपी थी, एमएसपी है, अब तो सुनील जी, तब तो आप लोग ये कहते थे कि तीनों कृषि काले कानून जो बनाए हैं सरकार ने उन्हें वापस ले लिया, अब सरकार ने कह दिया कि उन्हें रद्द कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, अब आप और नई मांगे लेकर आ गए हैं अपनी। किसान ने, मैडम आप पहले दिन से देख रहे होंगे, किसानों की एक ही बात थी, सबसे पहली बात क्या थी हमारी, हमने एक ही बात बोली थी कि भाई एक काम करो, सबसे पहले करो एक कानून वापसी, उसके बाद करेंगे बात आगे की, हमने उसी समय बोल दिया था। और सभी को पता है कि एमएसपी में जो मोदी चिल्लाते थे एमएसपी थी है रहेगी, एमएसपी की लड़ाई सबसे पहले है, लेकिन हमने क्या कहा था कि सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले बिल वापसी लो, और जब बिल वापसी ले लोगे उसके बाद आगे की वार्ता करेंगे। तो अब बिल वापसी ली है मोदी ने, तो अब जाकर नहीं, ठीक है सुनील जी, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार इतना झुक गई है, सरकार ने तीनों बिल वापस ले लिया, कहीं आपको भी झुक जाना चाहिए? सरकार नहीं झुकी है, जो हिटलर शाही थी, जो तानाशाही थी, तानाशाही टूटने का पहला कदम है, आज सरकार झुकी है, किसान की जीत हुई है, पहले दिन से हमारे टिकट, ठीक है ठीक है, जीत आपकी हुई है, किसान नहीं हारेगा, जीत आपकी निश्चित रूप से हुई है, लेकिन लेकिन अब ठीक है सुनील जी, लेकिन देश की जनता होने के नाते, देश का किसान होने के नाते, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब सरकार इतना झुक गई है, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी, अब वो मान ली है, तो आपको भी कुछ बात मान लेनी चाहिए सरकार की। क्या माने बताओ, सरकार क्या कह रही है? नहीं, अब अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप अपने घर वापस चले जाइए। अपील की है प्रधानमंत्री को, हमने पहले ही बताया था कि सबसे पहले तो कानून वापसी, उसके बाद एमएसपी का कानून बना करके हमें दो। जब एक बिस्कुट बेचने वाला व्यक्ति, बिस्कुट बनाने वाला व्यक्ति अपने बिस्कुट का रेट तय कर सकता है, ठीक है सुनील जी, आप इंतजार क्यों नहीं करते? 29 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या पता वहां पर कुछ और अच्छा आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हों, इंतजार करिए थोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में जाकर के आज ये माना है कि हम किसान है, अब जब हम किसान है तो हमें इज्जत के साथ संसद भवन जाने दो, हम दिक्कत नहीं करेंगे ना, आराम से जाने दो, अगर दिक्कत करोगे, विवाद करोगे तभी तो दिक्कत आएगी ना। नहीं, आप संसद जाके करना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए, आप ये बताइए, संसद जाके क्या आप अपनी बात रख पाएंगे? हम तो अपनी बात, तो हमारी बात तो रखेगा जो तरीका है उस तरीके से आप अपनी बात रखिए, संसद जाके क्या होगा?
देखे अब देश के, देखो एक बात बताओ, देश का अगर किसान है अगर उसको अपमानित किया जाएगा तो आज इज्जत के साथ बुला लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? इज्जत के साथ तो आप पहले भी बुलाया गया था, जो 11-12 दौर की बातचीत हुई थी तब नहीं बुलाया था क्या सरकार ने? पहले वाली बात पे अगर तुम जाओगे ना जी, तो पहले वाली बात वही बात है कि पहले भाजपा ने खेल खेला है, आज उसने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज किसानों से माफी मांगी, उसने अपनी गलतियों की अपना पश्चाताप किया है। आज इस सरकार को एक ही काम करना चाहिए कि किसानों को इज्जत के साथ 29 तारीख को ट्रैक्टर सहित 500 किसान जाएंगे, इज्जत के साथ वहां बुला करके खाना खिलाए, आराम से बैठाए, उसका सम्मान करें, और किसान उसका सम्मान तभी करेगा नहीं, ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा। जो अभी आप कह रहे थे कि सरकार अपनी हिटलर शाही पर अड़ी हुई थी, अब आप नहीं अड़े हुए कि अपनी हिटलर शाही पर? नहीं, देश का किसान हिटलर शाही पे कहां है? नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात आके बोल दी है, अब आप भी थोड़ा कुछ तानाशाही खत्म होने की कागार पे है, तानाशाह टूट चुका है और देश का किसान जीत चुका है, पूरे देश में संदेश जा चुका है, पूरे संसार में संदेश जा चुका है ना। आज किसान अगर यहाँ से 29 तारीख को जाएगा तो इज्जत के साथ बुलाओ ना, एक साल में जाकर के किसान मांगा, उससे पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी सब नाम दिए ना, अब की बार किसानों को इज्जत से बुलाओ ना मोदी जी, माला पहना करके बुलाओ, भाई मैं तुम्हारे ये चीज कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये समाधान कर रहा हूँ, बुलाना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, अगर आपको जाना है संसद तो आप सरकार के सामने बात रखिए ना कि कुछ किसानों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा संसद। आप क्या ये ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, हजारों किसानों को ले जाने की बात कर रहे हैं, फिर आप बताइए वहां पर क्या हालात नहीं बिगड़ेंगे, आप जिम्मेदारी लेंगे वहां की? नहीं जाएंगे, एक एक जहां जहां रास्ते खुले हैं वहां से 500 किसान जाएंगे, 30 से 35 ट्रैक्टर जाएंगे, कोई माहौल खराब नहीं होगा। क्या दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रोड डस्ट बदरपुर नहीं ढो रहे हैं? क्या ट्रैक्टर चल नहीं रहे हैं दिल्ली के अंदर? अगर ना चल रहे हो तो हम एक भी ट्रैक्टर लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, वो तो लेकिन काम के लिए चल रहे हैं ना, जो 26 जनवरी को हुआ तो उसके बाद से बंद किए गए हैं ना ट्रैक्टर की एंट्री, कि उस तरह की कोई घटना दोबारा से ना हो। अगर किसान का टैंक ट्रैक्टर है तो किसान अपने ट्रैक्टर अपनी शान और शौकत के साथ बैठ करके वहां जाएगा। अब कल हम कह लेंगे हम तो बैल बुग्गी लेके जाएंगे, आप कहोगे बैल बुग्गी भी अलाउ नहीं है, हम तो जोटा बुग्गी लेके चले जाएंगे, बताओ अलाउ है क्या? चलिए ठीक है सुनील जी, जिस तरह से आपको जाना है, जिस तरह से आपको अपनी बात रखनी है आप रखिए, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में किसानों की जो मांगे हैं वो अभी भी लगातार बरकरार है, लखनऊ में महापंचायत करने का किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, साथ ही 29 नवम्बर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, ये बात भी अब किसानों की तरफ से सामने आ चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य का राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। दरअसल चुनाव को फतह करने के लिए एक ओर जहां सत्ता पक्ष सत्ता में बने रहने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में कई कर्मचारी संगठनों के बढ़ते आंदोलनों ने राज्य सरकार की नींद उड़ा रखी है। क्या ये पूरा मामला है हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है, आंदोलनों ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक और जहां थामी सरकार और संगठन चुनाव को फतह करने की तैयारियों में जुटी है, वहीं इन सब के बीच उत्तराखंड में नाराज कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ ली है। तमाम विभागों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग, NHM, ऊर्जा, परिवहन विभाग के कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। इन सब के बीच पूर्व सैनिकों ने भी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं BJP का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रही है। उत्तराखंड में जारी इन आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद भी किसान अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस फैसले को किसानों की जीत बता रही है। साथ ही सरकार से मृतक किसानों के आर्जितों को 2 करोड़ रुपए दिए जाने, शहीदों का दर्जा दिए जाने के साथ साथ मृतक किसानों के परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग कर रही है। जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है और कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। सारा देश, सारा प्रबुद्ध जनमानस 3 काले कानून बता रहा था, जिसे किसान विरोधी कानूनों के रूप में सारा विश्व जान रहा था। अनंतो गत्वा लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई, किसानों की जीत हुई और उन शहीद किसानों की आत्मा की जीत हुई जिन्होंने इन 3 काले कानूनों के विरोध में अपना जीवन निछावर कर दिया। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के लिए और उनको खेती को एक अच्छे तरीके से वो एक व्यापारी की तरह जी सके, अपने माल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन जनता को, जैसा उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए किसानों को अगर ऐसा लगता है तो उन्होंने जो 3 बिल वापसी लिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आरोप तो लगते रहेंगे, वो सब अपनी बात कहेंगे और लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह भाव विभोर होकर इस बात को स्वीकार किया है, ये किसानों के हित में उन्होंने जिस तरह बात की है, पूरे देश का किसान इस बात को महसूस करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कानून हमारे हित में बनाया था। हमने प्रधानमंत्री को सामने ये रखा कि ये इसमें हमारा हित नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को घेरने की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी कर ली है। इन सबके बीच नाराज कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलनों ने भी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब भले ही सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर कर्मचारियों को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा हो, लेकिन भीतरी तौर पर कर्मचारियों की नाराजगी सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से हरिद्वार के गंगा किनारे राहुल प्रियंका गांधी सेना का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे देश के अनेक राज्यों से आए संगठन के लोगों को शपथ दिलाई। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि इस संगठन में पूरे देश के अनेक राज्य से लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनको माँ गंगा की शपथ दिलाई गई है कि अपने अपने राज्य में कांग्रेस को मजबूत करें और की बार कांग्रेस की सरकार सभी राज्यों सहित केंद्र में भी बने। क्राइटेरिया सब मिल बैठ करके तय करेंगे। आपकी हरिद्वार में पिछले कुछ समय में सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है, गढ़वाल के दूसरे जनपदों के मुताबिक आप हरिद्वार में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। क्या हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या उनका परिवार का कोई सदस्य? भाजपा के कुछ लोगों ने मुझको पहले ही हरिद्वारी लाल कहा, जब हरिद्वारी लाल हूँ तो हरिद्वार में सक्रियता रहे। तो क्या हरिद्वार से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या परिवार का कोई सदस्य? सब चीज़ चुनावी से संबंधित नहीं होता, जहाँ में और भी दर्द है मोहब्बत के सिवा। चुनाव में राहुल प्रियंका गांधी सेना घर घर जाएगी, कांग्रेस की विचारधारा, हमारे नेताओं की विचारधारा राहुल जी की और प्रियंका गांधी जी को मजबूत करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज देश साथ खड़ा है। बस बताने की जरूरत है, इन झूठों की पोल खोलने की जरूरत है, क्योंकि ये देश सभी का है और देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश आत्मनिर्भर नहीं रहा है, अब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ सर पे है, लेकिन आप जाने की बात करें कि हम जाएंगे, कब जाएंगे? देखिए, जा तो हम चुके हैं, आपका हमारा कार्यकारिणी मीटिंग यहाँ है। मैं हर मेरा जगदीश शर्मा जो राहुल प्रियंका गांधी सेना है, उत्तर प्रदेश भी जा रही है लगातार, पंजाब भी जा रही है, हम पिछले 4 महीने से लगातार जा रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा। अब इसके बाद हमारा पड़ाव उत्तर प्रदेश में है, हम उत्तर प्रदेश में घर घर जाएंगे और बताएंगे कि आप अपने बच्चों को बचा लो, आप अपने संविधान को बचा लो।
महंत नरेंद्र गिड़े की मौत के मामले में ठीक दो महीने के बाद आज सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को अभियुक्त बनाया गया है। कोर्ट अब इस मामले में 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागम्बरी मठ के महंत रहे नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत 20 सितंबर को हुई थी और आज 60 दिन उनकी मौत को पूरे हो चुके हैं। इस मामले में जेल में बंद आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी पिछले 50 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं और सीबीआई 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब भी जांच आनंद गिरी के वॉइस सैंपल की रिपोर्ट पर अटकी हुई है। चमोली में राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक ली। इसमें उपाध्यक्ष ने कहा कि गौ सेवा एक पुनीत कार्य है और भारत में वैदिक काल से ही गाय का महत्व रहा है। गाय का दूध, गौमूत्र और गोबर बहुगुणी है। गौ सर्वधन के पीछे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध, मक्खन, घी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है। उन्होंने सभी से गंगा और गाय के संरक्षण करने की बात कही और बताया कि सरकार स्वदेशी बद्री गाय के संरक्षण के साथ ही उसे बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने गौवंश संरक्षण के लिए जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी भी ली। देखिए, बहुत दिनों से यहां बैठक नहीं हुई थी और यहां गौ संवर्धन, पशुधन संवर्धन के लिए विशेष प्रयास नहीं हो रहे थे, इसलिए गौशालाओं के निर्माण के लिए नगर पालिका, नगर पंचायतों की जानकारी ली क्या प्रगति है, जिला पंचायतों को ब्लॉक स्तर पर क्या क्या गौ वंश के लिए हो रहा है, निराश्रित पशुओं के लिए हो रहा है, इसकी जानकारी ली और निर्देशित किया कि एक माह के अंदर भूमि का चयन करके और जल्दी सूचित किया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। साथ ही जो पुलिस को कामधेनु मिशन के तहत जो लोग ये आवाज़ छोड़ दे रहे हैं, जो गाय को, गाय माता को निराश्रित कर दे रहे हैं, गौवंश को, नंदी को छोड़ दे रहे हैं, उन पर पशुधन पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनका चालान करें, उनको जो दंड उसमें दंड प्रावधान है उसको पूरा करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।